नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्लस टॉप अपडेट्स में। टॉप अपडेट्स के स्पॉन्सर है रामपुर से कुल्लू आ रही एचआरटीसी की बस पर अचानक पत्थर गिर गया, जिसमें बैठे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये पत्थर पहाड़ी से सीधा बस के शीशे तोड़ते हुए अंदर जा घुसा और सीट पर बैठे एक युवक को इस पत्थर से गंभीर चोटें आई। युवक ने उसी समय दम तोड़ दिया। घटनास्थल पर काफी लोग जमा हो गए और आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल सागर भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने भी घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि यह हादसा लूरी के पास हुआ, जब बस रामपुर से कुल्लू की ओर आ रही थी। इसी के चलते आनी के विधायक किशोरी लाल सागर ने प्रशासन की ओर से 20,000 की फौरी राहत दी। वहीं परिवहन निगम ने भी हादसे के शिकार हुए व्यक्ति के परिजनों को 10,000 की आर्थिक मदद अड्डा प्रभारी आनी के द्वारा प्रदान की। हिमाचल प्लस के लिए आनी से सीआर शर्मा की रिपोर्ट। रॉकवेल कॉन्वेंट स्कूल पतलीकुल की प्रधानाचार्य वर्षा ठाकुर को हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बुधवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष शामिल अहमद ने उनकी नियुक्ति का संदेश मेल के माध्यम से दिया। वर्षा ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के निजी विद्यालय एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर स्कूल प्रबंधन ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं वर्षा ठाकुर ने राष्ट्रीय एसोसिएशन का आभार जताया और कहा कि वे अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएगी। I'm Mrs. Varsha Thakur, the principal and chairperson of Rockwell Government School, Patlikul, district Kullu. Would like to thank you, Mr. Sayed Ahmed sir, President of Private School Association and Children Welfare, Delhi, India. I would really like to thank him for appointing me as the President of Madhya Pradesh, and he has given such opportunity to me. I'm really very happy to get this position, and I would like to thank you all the parents and teachers, my staff members and other schools in the society. I will try to do my level best for everybody as a principal, as a teacher, and now as the president of Private School Association, Madhya Pradesh. So it's a great news for everybody, and please help me in future so that I'll be able to do my level best. Thank you so much. बारिश के चलते एक बार फिर मनाली पर्यटन स्थल बर्फ की चपेट में आ गया। मनाली के साथ लगते पर्यटन स्थलों को हिमपात ने ढक लिया है। पर्यटन स्थल सोलंग नाला, कोठी, गुलाबा, मढ़ी और रोहतांग दर्रे सहित समूची चोटियों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते पर्यटन स्थल सोलंग नाला और फतारू में सैलानी बर्फ के बीच में अटखेलियां करते हुए नजर आए। बर्फबारी के बाद पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। हिमाचल प्लस के लिए मनाली से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर की वार्षिक एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया। एथलेटिक मीट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते बीए चौथे सेमेस्टर की दीपशिखा को लड़कियों के वर्ग में और लड़कों के वर्ग में बीएससी चौथे सेमेस्टर के अर्जुन भारद्वाज को बेस्ट एथलीट चुना गया। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने वार्षिक एथलेटिक मीट का आगाज करने के बाद खिलाड़ियों और छात्र समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर कड़ी प्रतियोगिता का दौर है और उसमें सफलता उन्हें ही मिलती है जो इस कड़ी प्रतिस्पर्धा का डटकर सामना कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया है कि वे अपने संस्कारों और संस्कृति से जुड़े रहें, तभी वे जीवन में तरक्की कर सकते हैं। नरेंद्र ठाकुर ने महाविद्यालय में जूडो मैट मुहैया करवाने के लिए विधायक निधि से 2,00,000 रुपए देने की घोषणा की। हिमाचल प्लस के लिए हमीरपुर से नवनीत बता की रिपोर्ट। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर एनुअल एथलेटिक मीट आज इस कॉलेज में हो रही है। मैं तो सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल साहिबान व स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस शुभ अवसर पर उन्होंने मुझे आने का मौका दिया। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमीरपुर कॉलेज का स्पोर्ट्स के मामले में पूरे प्रदेश में एक अपनी पहचान है, अपनी एग्जिस्टेंस है।
और जहाँ भी स्टेट लेवल का जो भी टूर्नामेंट होता है, इस स्टूडेंट्स का वहाँ पर एक विशेष स्थान होता है और मैक्सिमम इवेंट्स में ये ट्रॉफी लेके यहाँ पे आते हैं। आज हम उनके जो इवेंट्स हम देख रहे हैं, जैसा हम महसूस कर रहे हैं, जहाँ तक अपने स्टेट के साथ इनका कंपैरिजन करना है तो इनका बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। हम आनंद ले रहे हैं यहाँ पे और इनकी स्पोर्ट्स मीट देख रहे हैं। इस अवसर पर मैं इतना आपसे बोलना चाहूँगा, सर ज़्यादा स्टैंडर्ड है तो वो बच्चे इसमें पार्ट प्ले करके जहाँ करोड़ों की इनकम भी लेते हैं, उनका फेम भी है और उनकी लाइफ भी सिक्योर है। तो स्पोर्ट्स का मैं कहता हूँ आज के समय में, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि गर्ल्स का ज़्यादा रुझान है, तो ये सब कुछ मिला के जो है साथ साथ शिक्षा और साथ साथ स्पोर्ट्स कंपटीशन का ज़माना है और इस कंपटीशन के ज़माने में स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैनशिप का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स का तो मैं कहता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ एक पैरेलल चलती है और दोनों का बराबर का महत्व है।